आगरा के बेहतरीन निशानेबाजों में शुमार सोनिया शर्मा ने दिव्यांग होते हुए भी दूसरों के सामने सफलता की अनूठी मिसाल कायम की है। सोनिया ने नेशनल गेम्स में उल्टे हाथ से पिस्तौल चलाकर सिल्वर मेडल हासिल कर आगरा का नाम रोशन किया है। वहीं भारत की सेकंड बेस्ट दिव्यांग महिला शूटर का खिताब भी अपने नाम कर लिया है। मगर इन सबके बावजूद उसे बदले में न तो सरकार की मदद मिली और न ही प्रशंसा। आपको बता दें कि सेंट जॉन्स की एमकॉम फर्स्ट ईयर की छात्रा सोनिया शर्मा बचपन से दिव्यांग हैं और दाएं हाथ का सहारा न होने के बावजूद भी वो एक अच्छी निशानेबाज हैं। मेरे को इसलिए इस पे इस तरह से नाज है क्योंकि जो एक असामान्य जर्नल बच्चे नहीं करके दिखाते वो सोनिया ने करके दिखाया है, आपके सबके सामने है। बस इस तरह से ये करते रहे, इसे सपोर्ट मिलता रहे, आप सब लोगों का प्रोत्साहन मिलता रहे, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है। अगर प्रोत्साहन होता है तो बच्चा सब कुछ कर जाता है। अगर तो बस इसे प्रोत्साहन मिलता रहे, आगे इसी तरह से जाती रहे। अभी तो ये हमारे लिए मेडल लाई, आपके लिए, अपने देश के लिए लाई, क्योंकि ओलंपिक का मेडल अपने देश के लिए होता है। तो हमारी ख्वाहिश यही है कि ओलंपिक का मेडल लेके आइए। इस तरीके से सोनिया के पिता एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद बहुत ज़्यादा दिक्कतों का। हाँ जी, हाँ जी जी। किस तरीके से अपना सहानुभूति दी? बस ये है कि पिताजी की ये ज़्यादा क्लोज रही है, उनकी चहेती ज़्यादा रही है, तो उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा अपसेट टूट गई थी। तो मेंटली मतलब डिस्टर्ब भी हो गई थी बहुत ज़्यादा, कि क्योंकि उधर पढ़ाई एग्ज़ाम, उधर इनकी पिताजी की तबीयत 2 साल ख़राब रही है हॉस्पिटलों में। सुबह हॉस्पिटल से आ रही है, दोपहर को एग्ज़ाम देने जा रही है। किस तरह से इसने एग्ज़ाम दिया है, मतलब हम ही जानते हैं कि किस तरह से पढ़ी। हमें तो ये भी नहीं था कि पास भी हो जाएगी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे नंबरों से पास भी हुई है। और ये सब इसने बहुत ही मुश्किल से स्टैंड हुई है, मतलब ये समझ लीजिएगा। ये हमारी अपनी बेटी के बारे में ये सोच कह रही हूँ कि ये खूब बड़े फूले, बहुत बड़ी ऊपर जाए, ताकि इसका सहारा है हमें। तो इनके पापा की डेथ हो गई, उसके बाद हम परेशान हैं, और ये बहुत ऊंची जाएगी तो वहाँ पे बहुत भारा अच्छा लगता है, नाच है इस पे नाच है। मैं सभी न्यूज़ चैनल के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि जैसे मोदी जी भी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अगर क्योंकि गवर्नमेंट, हमारे गवर्नमेंट कोटा के अंदर स्पोर्ट्स कोटा भी होता है, तो मेरा स्पोर्ट नेशनल में मेडल आया है, तो अगर मुझे एक जॉब प्रोवाइड की जाती है तो मुझे फिर किसी भी स्पॉन्सर या किसी भी इंसेंटिव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर मैं अपने एक्सपेंसेस खुद सारे बियर कर सकती हूँ। तो मैं यही आशा करती हूँ कि आज अगर मेरा मेडल आया, आज गवर्नमेंट मुझे अगर कोई जॉब प्रोवाइड कराती है तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, मेरे लिए एक मोटिवेशन होगा कि मुझे आगे भी करना है, क्योंकि मुझे 2020 पैरालंपिक का गोल्ड मेडल उठाना है, तो उसके लिए मुझे कड़ी परिश्रम की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है मुझे बाहर भी ट्रेनिंग लेने जाना हो सकता है मुझे और अच्छी ट्रेनिंग मिले। तो मैं यही चाहूँगी गवर्नमेंट से कि अगर वो मेरी हेल्प करें, मुझे जॉब प्रोवाइड करें, तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा और मेरे लिए आगे जाने के रास्ते। मैंने 2011 में स्टार्ट की थी, तब 2011 में मैंने कैंप स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद मैंने ड्रॉप कर दिया था। 2015 से मेरी शूटिंग स्टार्ट हुई है मेन अपनी पिस्टल लेके, तो मैंने डिस्ट्रिक्ट, प्री स्टेट, स्टेट, प्री नेशनल, नेशनल में अब सिल्वर मेडल लेके अपने आप को साबित किया है किसी हद तक। अब मैं वर्ल्ड कप के लिए जा रही हूँ, मैं आशा करती हूँ कि मेरा वहाँ अच्छा प्रदर्शन हो। कठिनाइयाँ तो होती हैं, क्योंकि देखिए शूटिंग गेम जो है वो बहुत एलाइट स्पोर्ट्स है, तो क्योंकि मैं फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो होता है कि, बट वही है कि अगर आपके फैमिली सपोर्टिव होती है, आज मेरी फैमिली सपोर्टिव है, वो अपने कुछ एक्सपेंसेस काट कर मेरे एक्सपेंसेस पूरे करते हैं, तो आज मैं इस लेवल तक पहुंच पाई हूँ। तो मैं यही आशा करती हूँ कि अगर सरकार मेरी इसमें हेल्प करती है तो उन्हें देश के लिए एक मेडल ही मिलेगा। तो मेरी उम्मीद यही है कि इन चैनल्स के थ्रू, इन टीवी चैनल्स के थ्रू अगर किसी तक बात पहुँचे तो मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात हो।